भिवानी के ईदगाह स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का पर्व रोजा रख व नमाज पढ़कर शांति व सद्भावना के संदेश के साथ मनाया। भिवानी के ईदगाह स्थल पर समुदाय के हजारों लोग अल्लाह की खुशी प्राप्त करने के लिए पहुँचे, तो वहीं भिवानी में मुस्लिम समुदाय के बीच बधाई देने के लिए राजनीतिक दल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी भिवानी की ईदगाह स्थल पर पहुंचकर समुदाय के लोगों को ईद की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर यहां ईद मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय के लोगों ने काफ़ी खरीदारी की। इस दिन भाई अपनी बहनों को ईदी के तौर पर उपहार भी देते हैं तथा घरों में मीठे पकवान बनाकर एक दूसरे को खिलाए जाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। और अभी मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूं और तमामी हज़रात से मेरी मौदीबाना गुजारिश है कि हमेशा आई साल और ईद की मुबारकबाद और जो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है वो तमाम मुसलमानों के लिए जो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के लिए जद्दोजहद होती है, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे खुशी के लिए ये ईद की नमाज़ तमाम मुसलमानों के लिए वाजिब करार दी गया है। मैं ईद की नमाज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ। ईद का मकसद होता है पूरे विश्व में शांति प्रिय माहौल बना रहे और सभी सुख से रहें, कहीं भी लड़ाई दंगा नहीं हो, और सभी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि विश्व में शांति कायम रहे, जिससे एकता भाईचारे की भावना बढ़ती है और विश्व में शांति रहती है। मैं ईद के मौके पर सभी मुसलमान भाइयों और सभी को मुबारकबाद देता हूं और सभी को शांति बनाए रखने की। अल्लाह ताला की तरफ से एक महीने रोज़ा रखता है, फर्ज है रोज़ा रखता है, और 30 दिन रोज़ा रखने के बाद उसको अल्लाह ताला ईद के दिन इनाम देता है। इसके लिए तो अच्छे आदमी तो अशांति नहीं फैलाएगा, सबको शांति चाहेगा, अच्छे आदमी का यही है। मुसलमानों का तो ये पैगाम है कि एक मुसलमान का जुबान से किसी को तकलीफ